रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। रोटरी क्लब हमीरपुर की रोटरी गवर्नर की आधिकारिक यात्रा 1 फरवरी को संपन्न होगी। रोटरी जिला 370 के तहत डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन सुनील नागपाल ने रोटरी क्लब हमीरपुर की आधिकारिक यात्रा के दौरान समीक्षा बैठक भी की। बैठक में क्लब की गतिविधियां, खर्च के ब्यूरो और आगामी वर्ष के क्लब के सदस्यों को प्रोत्साहित भी किया गया। इस आधिकारिक यात्रा का मुख्य समारोह होटल रॉयल सिलासी पैलेस में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रोटेरियन सुनील नागपाल का क्लब के प्रधान अजय सिंह बनियाल ने स्वागत किया। रोटरी क्लब हमीरपुर की रोटरी गवर्नर की आधिकारिक यात्रा 1 फरवरी को संपन्न हुई। रोटरी जिला 3070 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन सुनील नागपाल ने रोटरी क्लब हमीरपुर की आधिकारिक यात्रा के दौरान क्लब की समीक्षा सभा, हमीर होटल में क्लब की गतिविधियों, खर्चों का ब्यौरा व आगामी वर्ष के लिए क्लब के सदस्यों को प्रोत्साहित किया गया। इस आधिकारिक यात्रा का मुख्य समारोह होटल रॉयल सिलासी में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रोटेरियन सुनील नागपाल का क्लब के प्रधान अजायब सिंह बनियाल ने स्वागत किया तथा क्लब के सचिव रोटेरियन राकेश ठाकुर ने क्लब द्वारा की जा रही संपूर्ण गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों व विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 4 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें दीपक ठाकुर ASI सदर थाना हमीरपुर, सुनील कुमार अध्यापक राजकीय उच्च पाठशाला फगोटी, मिलाप सिंह समाजसेवी कुठेड़ा व नसीब सिंह पल्स पोलियो व रक्तदान कर्मी को शॉल व टोपी प्रशस्ति पत्र देकर नवाजा गया। समारोह में डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा नेत्र विशेषज्ञ हमीरपुर, जगेश मनकोटिया जनरल इंश्योरेंस तथा विनोद ठाकुर प्रधानाचार्य SD पब्लिक स्कूल हमीरपुर ने रोटरी क्लब हमीरपुर की सदस्यता ग्रहण की। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुनील नागपाल ने क्लब द्वारा की जा रही स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण व समाज सेवा के लिए रोटरी क्लब हमीरपुर की प्रशंसा की। इस अवसर पर रोटेरियंस KS कुलेरिया, डॉक्टर प्रेम ठाकुर, डॉक्टर RK मल्होत्रा, JP अग्निहोत्री, पंकज लखनपाल, राजेश शर्मा, सतीश कपिल व किशोर शर्मा उपस्थित रहे। अच्छा उतरे हैं और सबसे अच्छी बात ये हुई कि साल के पहले 6 महीने में इन्होंने अपने मेंबरशिप कार्ड किए थे। आप बधाई के बात है। गुलेरिया जी ने कहा कि बाकी तो गवर्नर साहब बताएंगे, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है। मेरी एक्सपेक्टेशन डबल हो गई है। 6 महीने में टारगेट पूरे हो गए तो अब एक्सपेक्टेशन ये होगी है कि टारगेट डबल हो गए। वेन यू हैव सच ए वंडरफुल टीम, वंडरफुल लीडर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द एक्सपीरियंस बिहाइंड इट। सबसे बढ़िया बात ये है दैट यू हैव वेरी सक्सेसफुल पीपल लीडिंग द क्लब एंड ड्राइविंग द क्लब। पर एक चीज की कमी है और वो बहुत बड़ी है, मुश्किल भी नहीं है। वो ये है कि मैंने जब जुलाई के महीने में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साइटेशन लॉन्च की थी तो उसमें मैंने एक ऑब्जेक्टिव और दिया था कि हर क्लब को विमेन मेंबरशिप बढ़ानी है। उसमें हमारा हाथ कमजोर लग रहा है। तो आई विल ऑलवेज पॉइंट एट द गैप्स विच यू कैन फिल एंड यू हैव द कैपेबिलिटी टू फिल। उसका सबसे आसान तरीका क्या है? और जनरली हम इग्नोर करते हैं, घर पे भी करते हैं और बाहर भी करते हैं, और वो ऐसा होता है कि जनरली हम परिवार वालों को देखते ही नहीं है कि इनको भी मेंबर बनाया जा सकता है। आई थिंक यू शुड फॉर्म ए मैकेनिज्म विद द मेंबरशिप कमेटी जिसमें कि हम स्पाउसेस को मेंबर बनाए सबसे पहले। और दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव था कि हम यंग लोगों को मेंबर बनाए। और उसको बनाने की जरूरत क्या है?
प्रोफेसर अग्निहोत्री चोपड़ा जी, डॉक्टर मल्होत्रा, डॉक्टर प्रेम ठाकुर, आप लोगों का तजर्बा आगे पास ऑन होना चाहिए। कौन लेगा? टू से सिंपल वर्ड्स, लेट्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड इंटेक्ट आर फैमिली मेंबर्स ग्रोथली एंड लेट अस नॉट कंपीट विद आर फैमिली मेंबर्स एंड इग्नोर देम। मैं समझता हूं कि अगर हम अपने परिवार से अपने बच्चों को, आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको अपने क्लब में ले आए तो हम अपना तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं। आपने देखा मेरे एवी इंट्रो में एक शख्सियत की फोटो दिखाई मैंने, उनका नाम है डॉक्टर शिव कुमार। मैं ये समझता हूं कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उनको नहीं जानता है। ही इज ए पर्सनैलिटी, ही इज ए फिनोमेना, ही इज ए लेजेंड एंड ही इज ए पर्सन हु कन्वर्टेड ड्रीम्स इनटू रियलिटी।